यूपी की 10 सीटों पर आज लोकसभा का मतदान हुआ है। हमारे साथ यहाँ मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके का मतदान रहा, क्या क्या मतदान में समस्याएं आईं और अब की बार मतदान के रुझान क्या आएंगे और कौन प्रत्याशी अब की बार मैनपुरी में बाजी मार सकता है। कई दशकों से जो मैनपुरी में पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश रागी। अच्छा राकेश जी, आपको कई दशक हो गया मैनपुरी में पत्रकारिता करते करते, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार मैनपुरी? माहौल की अगर बात करें तो जो है सवेरे 7 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे मतदान संपन्न हुआ है। जनता ने जो है शाम 6 बजे तक जो है वो शाम 5 बजे तक जो है 55.9% मतदान किया है। रुझान अब किसके पक्ष में जाएंगे ये मतगणना के बाद पता चल जाएगा। जैसे मतलब पहले कभी मैनपुरी को देखा जाता था मतदान में, कभी बूथ कैप्चरिंग, कभी गुंडा मवाली और ये सब शरारती तत्व आके जो है बवाला काटते थे, लेकिन अब की बार कैसा मतदान? नहीं, मैंने बताया नहीं आपको, मैंने जो है संबंध में जो है जिलाधिकारी से भोगांव में बात की थी। कुछ गिनी चुनी जो है मतदान केंद्रों पर जो है छुटपुट घटनाएं हुई हैं मतगणना प्रभावित करने को लेकर, जो है एक दूसरे पर हमला भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं, लेकिन बड़ी घटना कोई ऐसी नहीं हुई है कि ये कहा जाए कि पूरा जो है बूथ लूट लिया है या पूरे मतदान केंद्र को जो है कैप्चर कर लिया, ऐसी कोई जिले में घटना नहीं हुई है। यहाँ समाजवादी पार्टी का एक गढ़ भी माना जाता है, 1996 से लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब की बार मतदान को देखते हुए और मतदाताओं से जब बात की थी आपने, तो क्या लग रहा है कि कुछ मतदाता समाजवादी पार्टी से नाराज भी दिखे? अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जो है 2014-2019 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें जो जाति गोलबंदियाँ बनी थी वो टूट गई हैं। अब लोगों ने वोट जो है 5 किलो राशन के नाम पर किया है, राम मंदिर के नाम पर किया है, या संविधान बचाने के नाम पर किया है, या लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर किया है। ये तो जो है तभी पता लगेगा जब मतगणना होगी कि वोट किधर गया है। यहाँ एक अभी कुछ समय पहले ही एक महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर भी बड़ा बवाला हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ होगा? मुझे नहीं लगता है, उससे हमें ये और लगता है कि जो 10-5% वोट जो है यादवों का भाजपा के पक्ष में जाने वाला था वो उन्होंने रोक और दिया समाजवादी पार्टी की तरफ। कुछ यादव जो है समाजवादी पार्टी से जो नाराज थे, जो जात सूचक गालियाँ दी गई, उससे वो यादव जो है सपा के पक्ष में चले गए। ऑल ओवर मतलब क्या लग रहा है अब की बार कि जयवीर सिंह अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे या डिंपल यादव? अभी आपने एक बात कही थी कि बड़े लंबे अरसे से जो है मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, ये बात आप ही नहीं कही थी। अब देखना ये होगा कि इतने में सफल हो पा रहे हैं, ये मतलब गणना के बाद ही पता चल सके ऐसे कैसे क्या कहा जा सकता है। अच्छा लोकल जो यहाँ के मतदाताओं के मुद्दे हैं वो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके अब की बार मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? देखिए साफ एक बात जो है इस चुनाव में साफ होकर निकल के आई वो दो हैं। एक तरफ जो है रोजगार की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, संविधान बचाने की बात हो रही थी, दूसरी तरफ जो है 5 किलो राशन की बात हो रही थी, राम मंदिर की बात हो रही थी। इसके अलावा भी बहुत ऐसे मुद्दे उछाले गए थे जिन्हें हम जो है अपनी जुबान से नहीं कह सकते। अब जनता ने क्या निर्णय लिया है, राम मंदिर और 5 किलो राशन और तमाम जो मुद्दे उछाले गए उनकी तरफ गई है, या रोजगार महंगाई के नाम पर उन्होंने वोट किया है, ये जनता का निर्णय तभी पता चलेगा जब मतगणना होगी। हमारे साथ कुछ और भी पत्रकार मौजूद हैं, क्या नाम है आपका दादा? जी मेरा नाम अनिल साक्य, मैं JK247 न्यूज़ से रिपोर्टर हूँ। अच्छा साक्य जी, आप बहुत लंबे समय से यहाँ मैनपुरी में पत्रकारिता करते हैं, अब की बार मतदान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए मतदान की अगर जो बात करें तो मतदान मैनपुरी में बहुत शांत प्रिय ढंग से हुआ है। केवल 21वीं क्षेत्र में जो है ना छटपुट घटना एक देखने को मिली है कि बताया जा रहा है कि एक बीजेपी के प्रत्याशी जो मतलब नेता लोग थे तो उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। अब क्यों की गई ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन उधर से भी ये जानकारी ये मिल रही है कि वो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आए थे जिसके लिए उनको खदेड़ा गया, वो ग्रामीणों द्वारा खदेड़ा गया।
अच्छा, जैसे मतदान प्रतिशत की बात की जाए, 5 बजे लगभग 55% के करीब में मतदान हुआ था जी। और मतदान अब समाप्त हो गया, हालांकि अभी वोट परसेंटेज कितना हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया जी। लेकिन क्या मतदान प्रतिशत अब की बार कम रहा है? हाँ, ये तो देखने को मिल रहा है कि जो पहले जो उपचुनाव में हुआ था मतदान, उससे जो है ना लगभग 10% या के लगभग जो है ना कम रहा है। और ये हालांकि ये मतलब जो है ना दोनों के लिए जो है ना एक घातक सिद्ध होगा। अच्छा, दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा इस मतदान कम होने से? लेकिन ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष को ज़्यादा नुकसान होता है जब कम वोटिंग होती है। पहले मैनपुरी में मतलब चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती थी कि बूथ कैप्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब की बार कैसा माहौल रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यही देखने को मिला कि सत्ताधारी जो लोग हैं जो बूथ कैप्चिंग करने के फिराक में हैं, 4 बजे के बाद कहीं जो है ना शहर में बूथ कैप्चिंग करेंगे। लेकिन जो है ना, यहाँ मैं धन्यवाद दूंगा DM साहब को भी और धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के कप्तान साहब को भी, जिन्होंने जो है पूरे जनपद पर अपना होल्ड रखा और कहीं बूथ कैप्चिंग नहीं होने दी। और रही बात एक दो जगह की, अगर जो हो भी गई है तो वो कोई बूथ कैप्चिंग नहीं कहलाती है जी। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? साकिर। साकिर जी, कैसा मतदान रहा और मतदान को लेकर क्या कहेंगे और जनता ने किन मुद्दों को लेकर आपकी बार वोट किया था? देखिए, जनता के पास बहुत से मुद्दे एक संग थे। एक तरफ लगातार लोग जो नौजवान थे उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। वही आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, और जो लगातार मुद्दे छोटे छोटे थे जैसे मैनपुरी के जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन पर भी लोगों का काफ़ी ध्यान था, क्योंकि मैनपुरी में हमेशा चुनाव जातिवाद को भी लेकर होता है, क्योंकि एक संख्या अधिक है दूसरी संख्या कम है, उस बात को भी ध्यान रख कर लोग वोट करते हैं। अच्छा, सपा का गढ़ भी है तो कहीं ना कहीं उसका भी जो है समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि सपा का गढ़ इसलिए है, अगर देखा जाए जातिगत समीकरण समझे जाएं तो 4.5 लाख के आधा वन साइड है। लेकिन परसों जो घटना मैनपुरी में घटित हुई है, इसको यह परसों मूर्ति को लेकर, उसके बाद जो नारेबाजी हुई है, कुछ परसेंट यादव हम लोग के आकलन से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था, लेकिन उन्होंने वापसी किया, फिर से वो समाजवादी की तरफ मूव किया। मूर्ति वाली घटना के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है नुकसान ही हो गया फिर? देखिए, जिस तरीके से वो प्लानिंग थी, एक जो बोर्ड आपने देखो पश्चिम से आप लगातार कवर करते हुए आ रहे हो, पश्चिम में क्षत्रियों ने जो इस समय इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कल कलकर्णी सेना भी लगातार मोर्चा खोले हुए है, वहीं भानु संगठन जो है किसान यूनियन का क्षत्रिय हैं वो भी, उन्होंने भी संगठन से अपने मोर्चा खोल रखा है इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार दोनों लोग तीनों लोग मिलकर राजपूत और कर्णी सेना और भानु जैसे गुट जो लगातार इनका विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें छत्री भी इनसे नाराज़ था, तो उस हवा को बचाने के लिए इन्होंने वो पुराना कार्ड जो 2003 और 4 में चला जाता था यादव और ठाकुर वाला, वो फिर से खेलना चाहा मैनपुरी में, खेला था उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उससे उनका नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके का वो कार्ड था उससे जो नाराज ठाकुर था जयवीर सिंह से, उनको नहीं मिल रहा था, उन्होंने सोचा ये कार्ड खेल के जयवीर सिंह ने सोचा हम उसको लाएंगे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो कार्ड उनके लिए भारी पड़ सकता, उल्टा हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं राम मंदिर और फ्री राशन और CM का रोड शो कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए एक हिंदुत्व वोटर को फ़ायदा पहुंचाएगा भाजपा को? देखिए, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा था पहले, 2014 में आए थे जो इन्होंने वादे किए थे 15 लाख, वो भी लोगों के दिमाग में खनक रहा था, तो उसके बाद बोले राम मंदिर। राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना, और मैं समझता हूँ जितने भी समाज के लोग थे ना, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो और अदर कास्ट हो, सभी ने उसका स्वागत किया, कहीं पर भी आप देखिए वायलेंस नहीं हुआ था जब राम मंदिर का फैसला आया, तो इससे लग रहा था कि राम मंदिर का ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। फिर उसके बाद ये CA ले आए, CA को लाए थे कि मुस्लिम नाराज़ होगा, उधमबाजी करेगा और उसका फ़ायदा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम वन साइड होने वाला है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि आदमी के दिमाग में इस समय परिवर्तन का माहौल बन चुका है, जब आदमी बिल्कुल साइलेंट होकर वोट करता है तो कहीं ना कहीं उसका मूड चेंज होता है। आप लगातार मैनपुरी में हो कई दिनों से, आप भी लोगों से बात किए होंगे, लोग साइलेंट मूड में थे, खुलकर कोई भी बात करना नहीं चाह रहा था,
भले ही वो सामने कुछ कहते हो लेकिन चुप्पा चोरी वो क्या कर रहा है, क्या उसका मन था, वो तो वो ही जानता है। अच्छा, राम मंदिर, फ्री राशन और सीएम का रोड शो, क्या लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा? मुझे तो लगता है कि मैनपुरी में इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सभी के घरों में राम मंदिर है, सब राम की मूर्तियाँ लगाए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर जो बात की जाए घाटे की, अगर जो सत्ता पक्ष को, तो यहाँ पर जो है बेरोजगार नौजवान बहुत ज़्यादा है, तादाद में है। लगभग 10 साल से कोई भी नौजवान नौकरी नहीं पा पा रहे हैं, माँ बाप दुनिया का खर्च कर रहे हैं। और राशन की बात आती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये राशन जो दे रहे हैं आप फ्री में, तो ये तो एक गुलाम बनाने की आदत डाल रहे हैं। अगर माना कि एक परिवार को 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जब उसने बच्चे पैदा कर लिए एक परिवार में माँ बाप ने, तो क्या पालने की औकात नहीं है उसकी? आप क्यों पाल रहे हैं भाई? और आप कहाँ से पाल रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं राशन? हमारा जो है ना किसानों का DAP भी तो कम किए हैं, अन्य उपाय भी तो चीज़ों पर ढाका डाला है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है राम मंदिर का ये। और ना ही योगी जी ने जो रैली की थी, तो मैं देख रहा था, कवरेज भी किया था, तो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी जी, कोई भीड़ नहीं, मतलब यहाँ पर जो है मतदाता उत्सुक नहीं हो रहा है इसको। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? यूनुस खान। दोस्त, किस तरीके की अब की बार मतदान हुआ, किस तरीके की मतदाताओं के मन में क्या सोच के उन्होंने मतदान किया? मतदान बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु, पेपर लीक और भी अन्य कई मुद्दे हैं, इनको लेकर वोट किया है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहते हैं मैनपुरी को, क्या उससे भी समाजवादी पार्टी को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता? बिल्कुल मिलेगा, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, गढ़ है क्योंकि यहाँ पर यादव। ये हमारे साथ मैनपुरी के पत्रकार साथी थे, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अब की बार फिर से यहाँ समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। हालांकि वहीं पूरा दमखम भाजपा ने भी यहाँ चुनाव को लड़ने में लगाया है, दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब ये 4 तारीख को ही तय होगा कि 4 जून को आखिर यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद बनेगा या भाजपा का कमल खिलेगा, ये अभी देखना 4 जून को बाकी है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज 18 मैनपुरी।